आपका चुनाव चिन्ह भी एक होगा? नहीं, मैंने सोचा नहीं था, लेकिन जब मैंने कल पर्ची उठाई ना SDM साहब के कहने से, तो मैंने माता रानी का नाम लिया तो मेरे को कार मिल गई। अच्छा, पति की भी कार है आपकी? मेरी भी कार, दोनों की कार है जी। तो अब रेस लगेगी दोनों में, मुकाबला तो होगा ना? नहीं नहीं, मुकाबला नहीं है, बराबर चल रहे हैं जी। मैं वैसे इनके पीछे ही रहना चाहती हूँ, मैंने आज तक माता रानी से साईं का राज मांगा है और मेरे साईं यही है। तो क्या लगता है आपका सबसे बड़ा मुद्दा आपके वार्ड में क्या रहने वाला है? देखो, इसकी नॉलेज मुझे कम है, इनको ही ज़्यादा है, लेकिन इन्होंने इतने काम किए हैं। 10-12 साल पहले जब किसी को पेंशन नहीं मिलती थी, कोई आ नहीं सकता था, मैं कमेटी में आती थी पेंशन, तो ये खुद जाके घर पर जाके देखे थे, मैं भी कभी जाती थी इनके साथ। ये इन्होंने इतने इतने काम किए हैं और कभी किसी का पैसा नहीं खाया, कभी किसी की हाय नहीं ली। और टोए वाली गली थी, वो टोए वाली गली बचती थी, वो कहते थे कि हमारी गली में कभी रिक्शा चलेगा, या आज के टाइम कार चल रही है वहाँ पे। तो मतलब आपको जिस वार्ड में खड़ा किया गया है, तो आपकी कार तो सराटे से दौड़ेगी गलियों में फिर वहाँ पे। देखो जी, माता रानी की कृपा, दौड़नी चाहिए और दौड़ेगी भी, उम्मीद है। कैसे प्रचार कर रहे हैं आप, अब तक पूरा कर लिया पति पत्नी? नहीं नहीं, हाँ साथ साथ जाते हैं जी, सुबह शाम दोनों टाइम जाते हैं, जा रहे हैं। आप 12 को निपटा जाते हैं या फिर 13 में चले? फिर 13 में चले जाते हैं। अच्छा, हाँ दोनों का ऐसे ही है जी, कभी जब मौका मिलता है 12 में चले जाते हैं, जब टाइम मिला 13 में चले जाते हैं। आपको लगता है कि आप जिस वार्ड में चुनाव लड़ रहे हैं 12 में, कोई समस्याएं वहाँ पर? समस्याएं तो देखो जी, रोज आएंगी, रोज ही आएंगी समस्याएं तो, लेकिन उनका निदान भी हम ही ने करना है, और तो कोई नहीं करेगा, और ये करने में सबसे आगे हैं। क्या लगता है पत्नी को राजनीति में लाने वाला कौन? मेरे पति। पति मतलब आपका भी मन था कि इन्होंने आपको फोर्स किया कि नहीं इस बार? होने की वजह से मेरे को आना पड़ा। अच्छा। लेकिन मेरा मन नहीं था, मैं इनके साथ हूँ, इनके पीछे हूँ और इनके साथ ही कंधा से कंधा मिलाकर चलूँ। लेकिन इन्होंने सब्र नहीं किया कि मैं तो खुद लड़ूंगा? नहीं, इन्होंने ये कहते मैं तो खुद भी लड़ूंगा। हाँ। और तू भी आ जा मैदान में, दोनों मिलकर लड़ेंगे। तो कितने आश्वस्त मार रहे हैं मैम अपनी जीत को लेकर मधु जी, आपको लगता है कि जीत आपके करीब है, कितनी दूर लगती है? देखो जी, बाकी तो माता रानी के ऊपर है, लेकिन है उम्मीद, बहुत उम्मीद है। आप लोगों के पास जा रहे हैं, कोई लोग दिक्कत बताते हैं कि बागड़ी साहब कुछ काम अधूरा छोड़ गए या सब पूरे कर? वो तो सब यही कहते हैं जी, आपके जैसा काम शायद ही कोई कर सकता है, वो यही करते हैं। हम कहते हैं जी आपको तो आने की जरूरत, किसी ने तो ये भी कहा भी जब हमने आपका नाम अखबार में पढ़ा तो हमने उसी दिन आपको वोट डाल दिया था। पर कितने लोग अब तक कह रहे हैं, मेरे मुँह पर भी कहा है ये लोगों ने कि भी जिस दिन आपका नाम अखबार में पड़ा भी आप खड़े हो रहे हो 12 और 13 से, हमने उसी दिन आपका नाम रेकमेंड कर दिया था, अभी इन्हीं को डालना है वोट और किसी को नहीं डालना। आपके वार्ड में 12 में कोई आपको टक्कर में दिखता है, कोई पार्टी, कोई ऐसा चेहरा जिससे आपको लगता है आपकी टक्कर हो सकती है? नहीं, टक्कर का तो देखो जी कोई नहीं है, टक्कर का तो कोई नहीं है, बाकी कुछ कह नहीं सकते। लगता है जो आप माता रानी की बात का जिक्र करते हैं पार लगाएंगे? पूरा विश्वास है जी, फुल 100% विश्वास है उसके ऊपर तो मुझे। ठीक है मैम, बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभकामनाएं, शुक्रिया।